धारण हो ही नहीं रहा, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं इनफर्टिलिटी या निसंतानता की समस्या। अगेन, चार चीजें चाहिए है प्रेगनेंसी लाने के लिए: अंडेदानी, नले, बच्चेदानी और स्पर्म काउंट। अगर गर्भधारण नहीं हो रहा है तो या तो अंडेदानी में प्रॉब्लम है, या बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, या नलों में प्रॉब्लम है, या शुक्राणु में प्रॉब्लम है। इनके भी होते हैं डिटेल टेस्ट। हस्बैंड का सीमन टेस्ट होता है जो शुक्राणु के बारे में उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में बताता है। फिर होता है बच्चेदानी का अल्ट्रासाउंड, जो बच्चेदानी का बताता है स्थिति के अंदर कोई रसोली, गांठ, पर्दा या जाले तो नहीं है, या बच्चेदानी बहुत छोटी तो नहीं है, या बहुत बड़ी तो नहीं है, या कोई इंफेक्शन तो नहीं है। फिर होता है नलों का टेस्ट। नलों के बहुत सारे वैरायटी के टेस्ट हैं। मोस्ट कॉमन होता है हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, जिसमें हम दवाई डाल करके पेट का एक्सरे लेते हैं देखने के लिए कि नले खुली हैं कि बंद है। फिर आता है अंडेदानी का टेस्ट। अंडेदानी का टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री से आता है कि अगर आपको समय पे महीना आ रहा है मतलब अंडेदानी आपके सही है। सेकंड आपका आता है ये टेस्ट देखने के लिए कि आपके हॉर्मोन्स की ताकत कितनी है, वो ब्लड से पता चलता है। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि अंडेदानी में अंडे या फॉलिकल्स हैं तो कितने हैं, और अल्ट्रासाउंड से हमें ये भी पता चलता है कि आपका नियमित रूप में फॉलिकल बनता है कि नहीं, फूटता है कि नहीं। तो गर्भधारण नहीं हो रहा उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है।